नमस्कार विद्यार्थियों, आज के महाविद्यालय बारहवीं की क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय राजव्यवस्था में हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी थी। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम अब तक राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ देख चुके हैं, सैन्य शक्तियाँ देख चुके हैं, न्यायिक शक्तियाँ लीगल पावर सबको देख चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ, इन सबको अब तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमारी राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ रह गई थी, जिन पर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति में आज हम राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, इनको देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स। कार्यपालिका शक्तियों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की जो सर्वोच्च कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को निहित होंगी। और कार्यपालिका शक्तियों में मुख्य रूप से राष्ट्रपति जो नियुक्ति संबंधी कार्य है वो उन्हें करते हैं। तो राष्ट्रपति की पहली जो कार्यपालिका शक्ति की अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण वो यही है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से यह राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका कार्य है। दूसरा जो राष्ट्रपति का कार्यपालिका कार्य है वो यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा हमारे यहाँ एक पद महान्यायालय, राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसी के साथ महान्यायवादी के जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद क्रिया के लिए अपना पद धारण करता है। तीसरा, हमारे कुछ संवैधानिक जो पद हैं उन पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। कौन कौन से संवैधानिक पदों पर, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा CAG यानी हमारे यहाँ जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक ही पद है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दूसरा, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चुनाव आयोग इसके अध्यक्ष की नियुक्ति और दूसरा सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा, हम कह सकते हैं कि जो संघलोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति का क्या है, कार्यपालिका कार्य है। इसको हम कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी के साथ
जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी के साथ इसमें एक और हम जोड़ सकते हैं कि जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो तीन कार्यपालिका के बारे में देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। इसी तरह से महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी के वेतन पर पूर्ण निर्धारण, और फिर मैंने बताया कि महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद के पद पर बना रहता है। फिर जो विभिन्न संवैधानिक पद है जिनमें केंद्र देखा, चुनाव आयोग देखा, संघ सेवा आयोग, वित्त आयोग और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि राष्ट्रपति का क्या है, कार्यपालिका कार्य है। इसी प्रकार चौथा जो कार्यपालिका कार्यक्रम देख सकते हैं राष्ट्रपति का, कि हमारे यहाँ जो विभिन्न आयोग होते हैं उनमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी के साथ उन आयोगों का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो विभिन्न आयोगों का गठन ये भी राष्ट्रपति का क्या है, कार्यपालिका। कौन कौन से आयोग को उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, उसकी नियुक्ति इसके द्वारा गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है आदि जो विभिन्न आयोग होते हैं उनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसी के चार राष्ट्रपति के हमने कार्यपालिका कार्य देखिए, अब देखते हैं पांचवा राष्ट्रपति में कौन सा कार्य। तो हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रावधान किया गया है, तो उसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, यानी अंतर राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रथम बार गठन 1990 में किया गया। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम राष्ट्रपति के कार्यकालिका की बात करें तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो उनका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति ही देखता है, लेकिन उनका प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त जो विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके माध्यम से देखता है। तो यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति विभिन्न जो प्रशासनिक अधिकारी हैं प्रशासकों के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रशासन देखता है। इसी के अलावा सातवां तो कार्यपालिका कार्य है कि हमारे यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र है वो घोषित करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। तो अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा, इसकी घोषणा करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। तो ये सब राष्ट्रपति के कार्यपालिका का सत्य थी, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यपालिका कार्य थे जो कि हमने अभी देखे। अब हम राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं या विधायी कार्य कौन कौन से हैं वो सब देखने का प्रयास करेंगे। तो विधायी कार्य की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिनंदन क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ संसद का जो निर्माण है वो किससे मिलकर क्यों होता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, इन तीन से मिलकर होता है। इसका मतलब यह है कि संसद का काम क्या है, कानूनों का निर्माण करना है।
इन दोनों सदनों से पारित होता है। ये लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से जब वो विधेयक पारित होकर के फिर राष्ट्र की स्वीकृति के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देते हैं तो विधेयक क्या हो जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति संसद के जो दोनों सदन हैं उनका संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। तो ये पहला महत्वपूर्ण विधायी कार्य है राष्ट्रपति। तो जब राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो उसके अध्यक्षता कौन करता है, ये मैं एक बार करके स्लाइड पर पूछा जाता है। तो संयुक्त जो अधिवेशन संसद का बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। दूसरी विधायी शक्ति की अगर हम बात करें तो प्रत्येक चुनाव के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है तो प्रत्येक चुनाव के बाद नई लोकसभा और प्रत्येक नए वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, संसद का सत्र बुलाया जाता है। यानी प्रत्येक चुनाव के बाद जब नई लोकसभा बनती है तब और प्रत्येक नए वर्ष में संसद का क्या बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा सत्र बुलाया जाता है। तीसरी जो विधायी शक्ति की अगर हम बात करें राष्ट्रपति की वो ये है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले पर संसद से सूचना मांग सकता है। सॉरी, सूचना नहीं, किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। ये राष्ट्रपति की तीसरी विधायी शक्ति है, ये संसद को संदेश भेज सकता है। संदेश इसी प्रकार चौथी अगर विधायी शक्ति की अगर हम बात करें तो हमारे यहां जब लोकसभा के अंदर इसमें अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो इनकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, इसके लिए जो तीन चार वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनका पैनल बनाया हुआ होता है। इसलिए अब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो इस पैनल में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी को भी अध्यक्ष बनने के लिए कह सकता है। कहां से कह सकता है, पैनल में से, जो वरिष्ठ सदस्यों का पैनल है उसमें से। इसी प्रकार जब राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा में जब या तो सभापति नहीं रहे या उपसभापति, इन दोनों की अनुपस्थिति यहां पर भी या अगर अनुपस्थित रहते हैं तो सदन में अध्यक्षता कौन करेगा, इसके लिए तीन चार जो वरिष्ठ सदस्य उनका पैनल होता है। तो इस पैनल में से इनके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसी एक को अध्यक्ष बनने सभापति या उपसभापति बनने के लिए कह सकता है, सभापति बनने के लिए कह सकता है। ये चौथी महत्वपूर्ण विधायी शक्ति राष्ट्रपति की थी। अब हम पांचवी शक्ति की बात करते हैं।
राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है, यानी राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करने की शक्ति है। अब सवाल ये होता है कि 12 सदस्य होते कौन हैं, तो ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। छठी अगर हम राय शक्ति की बात करें राष्ट्रपति की, तो वह यह है कि अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो ये 2 मनोनीत नहीं की शक्ति होगी राष्ट्रपति की। नेक्स्ट अगर हम बात करें राष्ट्रपति की सातवीं राय शक्ति, तो सातवीं राय शक्ति यह है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके जो विभिन्न सदस्यों की अयोग्यता का जो मुद्दा होता है उस पर निर्णय करता है। यानी राष्ट्रपति किससे, चुनाव आयोग से परामर्श करके जो संसद के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के जो प्रश्न है उन पर निर्णय करता है। आखिर राष्ट्रपति आठवीं जो राय शक्ति अगर हम बात करें तो वो ये है कि कुछ विधेयकों को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, इसलिए राष्ट्रपति क्या करता है कुछ विधेयकों पर अपनी पूर्व अनुमति देता है। जैसे जैसे कि संचित निधि से खर्च करने का कोई मामला हो या नए राज्य का निर्माण करना हो, इसी प्रकार से अगर विद्यमान जो राज्य है उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, राज्यों की सीमाओं में अगर परिवर्तन करना हो, तो इन विधेयकों पर किस तरह के विधेयक होते हैं उन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और उस पर राष्ट्रपति पूर्व अनुमति देते हैं। ये भी राष्ट्रपति का क्या है, विधायी कार्य है। अब अगर हम बात करें नौवीं विधायी समिति की, नवीन विधायक शक्ति राष्ट्रपति की है कि जब संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं। यानी जब दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अगर कोई विधेयक है वो पारित होकर के आ गया मानो किसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो अब राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प होते हैं। या तो वह इस पर क्या करते, स्वीकृति दे दे विधेयक पर, तो वह क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। दूसरा जो राष्ट्रपति के पास विकल्प है वह यह है कि वह इसको क्या करते, अस्वीकृति दे दे, यानी अस्वीकार कर दे, तो विधेयक नहीं बनेगा। तीसरा इसके पास विकल्प होता है कि वो विधेयक को क्या करते, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, यानी रिकंसिडरेशन के लिए वो रिटर्न करते हैं। पुनर्विचार के लिए अगर लौटाता है राष्ट्रपति विधेयक को, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है पुनर्विचार के लौटा देते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और पुनर्विचार के बाद संसद इसको किसी संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के वापस पारित कर देती है, तब दूसरी बार अगर संसद इसको पारित करके देती है तो दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए अब इसका हस्ताक्षर करना क्या है, बाध्य है, दूसरी बार हस्ताक्षर करना बाध्य है। तो पुनः रिपीट कर देता हूं कि राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक दोनों सदन
पारित होकर के आता है तो राष्ट्रपति के पास में तीन विकल्प होते हैं, या तो विधेयक को क्या करते स्वीकृति दे देते, अगर स्वीकृति दे देते हैं तो विधेयक क्या हो जाता है अधिनियम बन जाता है, बिल एक्ट बन जाता है, अस्वीकार करते हैं तो खारिज हो जाता है। तीसरा विकल्प होता है राष्ट्रपति के पास में कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, अगर पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं लेकिन अगर संसद दूसरी बार इसको वापस पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो दूसरी बार आए हुए विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करना क्या है बाध्यकारी है। तो ये प्रावधान हमने क्या कर 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार इसको हम राज्यपाल से कंपेयर कर सकते हैं, राज्यपाल के पास में भी अगर सदन से कोई विधेयक पारित होकर के आता है तो राज्यपाल के पास में भी ये तीन विकल्प होते ही होते हैं, इसके अलावा राज्यपाल के पास में एक विकल्प और होता है, तो तीन विकल्प ये रहेंगे, या तो स्वीकृति दे दो, दूसरा अस्वीकार कर सकता है, तीसरा वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है इसको, और चौथा जो कि राष्ट्रपति के पास ये विकल्प नहीं है केवल राज्यपाल के पास में है वह यह है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति की राय के लिए या राष्ट्रपति के विचार के लिए देखी जा सकता है आरक्षित रख सकता है। अब मैंने आपको बताया कि राज्यपाल के पास में भी अगर वो विधेयक राज्यपाल अगर विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं और अगर विधानसभा वापस इसको दोबारा से पारित कर देती है तो दोबारा विधेयक आता है तो राज्यपाल के लिए विधेयक का हस्ताक्षर करना क्या है बाध्यकारी। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास विधेयक और राष्ट्रपति विधानसभा को लौटाया है और विधानसभा ने वापस पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति के लिए इसका हस्ताक्षर करना बाध्यकारी नहीं। तो इस तरह से हमने देखा एक जो महत्वपूर्ण राइट के राष्ट्रपति हम और देख लेते हैं लास्ट दसवीं और अंतिम तो दसवीं राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो सीएजी कैग होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके अलावा जो संघलोक सेवा आयोग है यूपीएससी, इसके अलावा वित्त आयोग है, इनकी जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा ही कहां रखवाया जाता है संसद में रखवाया जाता है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग वित्त आयोग आदि जो आयोग है इनकी रिपोर्ट को संसद में राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। इसी तरह से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट राज्यों में होती है उसमें राज्यपाल सदन में रखवाता है। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।